जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ, ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे ले, कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं अब देखिए, कितना कल्पना दारिद्र है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंच रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर, बताओ। मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ ऑफ ही अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सोए सब हो जाएगा। यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी, यह वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया है।